हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा ने पुलिस कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एवं पुलिस कर्मियों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहा गया कि कोरोना काल में हमारे पुलिस कर्मी भाइयों एवं बहनों द्वारा अपने जीवन की परवाह न करते हुए समाज हित में कार्य किया गया, जो सराहनीय कार्य है। इस दौरान मांग उठाई गई कि बॉर्डर स्कीम खत्म हो, 8 घंटे की सर्विस सुनिश्चित की जाए, साप्ताहिक अवकाश दिया जाए एवं महिला कांस्टेबल को गृह जनपद में ही नियुक्ति दी जाए, जिससे वो अपने पारिवारिक जीवन को भी समय दे पाए एवं मानसिक परेशानियों से बच सकें। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को साइकिल की जगह मोटरसाइकिल भत्ता दिए जाने एवं सिपाहियों की समस्याओं को लेकर तत्काल प्रभाव से पुलिस आयोग का गठन किए जाने पर जोर दिया गया। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग जो कि 24 घंटे हमारी सेवा कर रहा है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उन पुलिस वालों को जो हमारी मांगे हैं, 6 दिन मांगे हैं, पहली मांग बॉर्डर स्कीम खत्म हो, दूसरी मांग महिला कांस्टेबल को उसके जनपद में नियुक्ति हो, दूसरा पुलिस की समस्याएं, सिपाहियों की समस्याओं को लेके एक पुलिस संगठन का आयोग बनाया जाए, जिससे कि तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये साक्षात हमने देखा है कि कभी अगर कोई पुलिस कर्मी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है परिवार में, तो उसको छुट्टी तक नहीं मिल पाती है, वो छुट्टी के लिए डर डर की ठोकरें खाता है। सिर्फ इन चीजों को देखते हुए हमारी जो मांगे है, ये आज एक छोटी सी मुहिम मुरादाबाद से स्टार्ट की गई है पार्टी के माध्यम से, और इस मुहिम को 28 दिसंबर को पैदल मार्च संकल्प मार्च लखनऊ में निकाला जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होगा तो एक ये मेरा सबसे बड़ा ऐलान है कि अगर 3 महीने में हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो मैं वादा करता हूँ चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, इन मांगों को पूरा करके ही दम लूंगा। इस दौरान शिव दयाल सिंह, अंकुर भारद्वाज, रणजीत सिंह चौहान, अमन ठाकुर, करण, हैप्पी, शिवा गुप्ता, सुधांशु गुप्ता, रवि कुमार, सुरेश चौहान, सोनू, निहाल सिंह, गजराज सिंह एवं दीपक कालागर सहित अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे।